हाई एवरी वन वेलकम बैक टू अवर चैनल आज हम बना रहे हैं एक बोहो आर्ट पीस यूजिंग एक्रेलिक कलर्स। इट्स ऑफ़ कलरफुल ब्लॉब्स एंड फ्लोरल लाइन आर्ट ये आर्ट स्टाइल काफी फन और है एंड इसका सबसे अच्छा पार्ट ये है कि कोई परफेक्ट शेप या रूल फॉलो ही नहीं करना पड़ता वैसे मुझे बताना आप लोग कौन सा पार्ट ज्यादा इंजॉय करोगे पेंटिंग द ब्लॉब्स या ड्रॉइंग द लाइन आर्ट ऑन टॉप लेट मी नो इन द कॉमेंट्स एक्रेलिक कलर्स के साथ काम करना काफी सैटिस्फाइंग होता है आई लव हाउ द्राई क्विकली एंड गिव दट वाइब्रेंट फिनिश And these हमें ऐसे काम और स्लो डाउन मोवमेंट ज्यादा एंजॉय करने चाहिए like painting, बताओ, आपने क्या क्रिएटिव किया था लाइन आर्ट बनाने का स्टेज सुपर इंटरेस्टिंग इस स्टेज पे पेंटिंग को एक नया ही लुक मिलता है ये लाइन ड्रॉइंग सिंपल होते हुए भी काफी एलिगेंट लगती है बोहो आर्ट इज ऑल अबाउट फ्रीडम कोई भी परफेक्ट लाइन की जरूरत ही नहीं है इवन द फ्लॉज एट टू इट्स चार्म लाइन आर्ट करते करते कभी कभी ऐसा लगता है कि बस ये लाइन थोड़ी और परफेक्ट हो जाए बट इसी प्रोसेस में कहीं ना कहीं अपनी ही क्रिएटिविटी से सरप्राइजेस मिल जाते हैं जैसे कुछ स्ट्रोक्स गलती करते करते अच्छे लगने लगते हैं। ये बोहो स्टाइल का बेस्ट पार्ट है कि कुछ भी ओवर थिंक नहीं करना पड़ता और वैसे भी हर आर्ट पीस में एक मोमेंट आ जाता है जब लगता है की बस अब परफेक्ट है और फिर एक और छोटी लीव बनाने का मन करता है यू मस्ट बी वंडरिंग मैं हमेशा ब्लैक पेन से ही क्यों डूडल करती वेल दैट्स बिकॉज जब पैसिल कलर्स इतने स्मूथली ब्लेंड हो जाते हैं और उसपे ब्लैक पेन के स्ट्रोक्स एक शार्प कंट्रास्ट देते हैं इट बिकम सच अटिस्फाइंग कॉम्बो वैसे मेरे हाथ में जब भी पेन लगता है तो मैं कुछ ना कुछ डूडल करने लग जाती हूँ फिर चाहे वो नोटबुक का कॉर्नर हो या कोई टिश्यू पेपर बचपन में तो अपनी नोटबुक के लास्ट पेज पे ही हम रैंडम ड्राइंग्स बना देते थे क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कुछ भी ड्रॉ करना स्टार्ट कर दो मूड फ्रेश करने के लिए सो so, हमारी पेंटिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है बट फाइनल टचेस तो जरूरी हैं ये स्मॉल डिटेल्स ही हैं जो पेंटिंग को अलग लेवल पे लेके जाती हैं लाइक like, छोटे छोटे डॉट्स या एक्स्ट्रा लीव्स दे जस्ट मेक एवरीथिंग फील मोर बैलेंस फाइनल टचेस कभी कभी ऐसे होते हैं जैसे पिज्जा पे ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स बिना उसके कम्प्लीट ही नहीं लगता और ज्यादा हो जाए तो इट्स अ डिजास्टर वैसे मुझे इन पेंटिंग्स को घर के कॉर्नर में रैंडमली डिस्प्ले करना ज्यादा पसंद है एक बुक शेल्फ पे या स्टडी टेबल के साइड पे आप लोग ऐसी पेंटिंग्स को कहा रखना चाहोगे वीडियो को लाइक और शेयर ना मत भूलना और अगर आपको प्रोसेस पसंद आए देन डू सब्सक्राइब टू अच्छा और हाँ जल्दी से बता दो नेक्स्ट वीडियो में क्या देखना पसंद करोगे कलर वर्क या फिर एक ब्लैक एंड व्हाइट स्केच